सभा में पहुंचे कंस ने देखा सुंदर सास लवाया और गुरु जी से प्रणाम किया। भोजराज कंस ने जैसे ही प्रणाम किया है उसके बाद में भागवत के श्रोता नारद बाबा ने कहा कंसराज अब क्या दिक्कत है अब का दिक्कत है अब काय मोहरत का ढाड़े हो अब तो तुम्हारो काम होएगा हो बाबा काम अबे कैसे हो बताए हो नील कमल पुष्प मंगाए थे वो तो वैसे ही मर गए होंगे दोनों जाकर के बाबा हाँ वे मर कहाँ गए फूल पहुंचाए थे यानी फूल तुम्हारी सभा में आ गए आ गए फिर रखे अजय रखे कचरे एक छबरिया है तीन छबरिया लेके आए कंस तुम बहुत बड़ी टेंशन में हो लला टेंशन में ना है फांसी लगा दी आज आज मैं फांसी लगाऊंगा बाबा अब आप बहुत दिमाग खराब हो जाऊंगा क्यों क्यों क्या मैं पता है जो तुम कहते हो वो ही हम लेते हैं फिर भी कोई हो मेरा काल कैसे मरेगा क्या करेगा मैं बाबा मैं खुद ही मर जाऊं बताओ तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ मैं और हो सकता है जब वो तरकीब तुम्हारी कामयाब हो गई बाबा आज तक तुम्हारी कोई बात कामयाब तो भाई तुम्हारे आई नहीं अच्छा एक बात सुनो तुमने कृष्ण बलराम का अभी तक देखा नहीं है ना भैया देख लीजिए तो ना हमें भी चिंता पार कर देंगे अपने यहाँ धनुष या के घर आओ धनुष तुम्हारे भांजे है और तुम उन्हें बुलाना और जब तुम बुलाओगे दौड़े दौड़े आएंगे बाबा अरे तुम्हारे पास आ जाए तो मार देना तो एक काम करो हाँ तिथि निकालूंगा तिथि का सुना कल करवाए कल नहीं अभी करवाए नहीं कल पत्र लिखवा करके अखरूर जी को दो परसों का रखो परसों का हाँ चलो आज नारद ने जैसे ही सलाह दी और सलाह देने के बाद नारद बाबा से जब चले हैं आज अखरूर जी को पत्र दिया है हाथ में और पत्र जैसे ही लिया आज क्या किया है श्रोता बंधु महाराज जैसे अखरूर जी चले ही वृंदावन में पहुंचे हैं मैया यशोदानंद बाबा को समझाया कन्हैया को समझाया
लेकिन यशोदा को समझा तो दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि तेरा पुत्र कल जाने वाला है। भगवान ने एक बात सोची, शाम हुई कि मैं अपनी मैया यशोदा से बहुत बड़ा यहाँ पर एक प्रसंग है, जिस माँ ने मुझे बचपन से पाला, आज मैं 11 साल का हो गया और जान बूझ के आज मैं इस मां को छोड़ने के लिए जा रहा हूं। जान बूझ के छोड़ूंगा भैया, ऐसी बात करी भगवान। सुबह रथ में बैठे चले तो आज यशोदा मैया, नंद बाबा, सारे ग्वाल बाल कहते हैं, बोले कन्हैया तुम कहाँ जा रहा है? बोले बाबा हम मामा कंस के यज्ञ का उद्घाटन करने जा रहे हैं और आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों चले आएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है बाबा। आज क्या किया है भैया? ये सुधा रोने लगी, दिल लगाया, प्रेम किया, क्या ये मेरा प्रेम ऐसे ही खत्म हो जाएगा? पति जी Let's go.
राधा कहने लगी श्याम मथुरा में जाओगे खुब जा मिल जाएगी
तुम्हें तो कोई और भी मिल जाएगा, लेकिन हमने तो सिर्फ तुम्हें अपना बनाया। कन्हैया केवल दिल में जगह मैंने अपना दिल तुम्हें दिया है, कोई भगवान का प्रसाद नहीं जो हर जगह बांट जा। लेकिन मेरी एक बात समझो, राधा रोती रही, भगवान कहने लगे राधा हो सका तो भूल जाना। बोले भूल जाना, तुमने तो कह दिया कि भूल जाना, लेकिन ये 11 साल का प्रेम एक साथ रहे, बड़े प्रेम से रात साथ आया, बंसी में नृत्य किया, यमुना पर आए। कन्हैया इन बातों को कैसे भूल जाए? अगर तुम हमसे कह रहे हो भूल जाओ तो राधा तुम बनो और हमें कन्हैया बनाओ, और तब हम तुमसे ये बात कहे तब जानना कि कितना दर्द होता है इस बात में। लेकिन कन्हैया तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी उदास नहीं हुआ कि तुम राधा से अलग हो जाओगे। लेकिन राधा ने एक बात कही, तुम परसों की बात कर रहे हो श्याम। परसों की कह रहे हो, का पता वापस तुम आए आए ना आए, हमें भरोसा कैसा हो? कन्हैया ये बात अच्छी नहीं है, तुम हमें छोड़ के जा रहे हो माधव। राधा रोकर के कहने लगी कि श्याम I'm not afraid of the dark.
हमको अजमा लिया, कोई अपना नहीं हुआ। भगवान कन्हैया कहने लगे, राधा